लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में सुबह सुबह मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद के बीच में आमने सामने से क्रॉस फायरिंग हुई और सर्विलांस जब इनका मैंने लिया तो मुख्तार अंसारी एक सेना का भगोड़ा था बाबूलाल यादव जो आर आर राइफ राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर से भागा था एक लाइट मशीन गन चुरा के भागा था और उसको बेचना चाहता था मुख्तार अंसारी को मुख्तार अंसारी उससे जब बात करके अपने लोगों से बात करता था तो कहता था किसी भी कीमत पे लाइट मशीन गन मुझे चाहिए क्योंकि विरोधी की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो राइफल के अगेंस्ट है लोग मुख्तार समझ रहा था कि ये रिकवरी बाबूलाल के पास हुई है तो आर्म्स एक्ट सिंपल है वो दोषी हुआ हम बच गए लेकिन जैसे ही मीडिया के माध्यम से शाम को ये न्यूज़ आई कि पोटा लग गया है अब वो घबरा गया पोटा में तो बात करने वाला भी दोषी है और सब हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया था जिस संस्कार से आया था हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे मुझे लगता था कि मैं पीछे हटा तो मेरा जमीन मुझे मार डालेगा और अंत में पंद्रह दिन यही सोच के जद्दोजहद में फिर मैंने किसी को बताया चुपचाप इस्तीफा तो दिया और इस्तीफा में लिखा पूर्वांचल का माफिया डॉन मुक्तार अंसारी अब नहीं रहा और इसी के साथ अपराध की एक अध्याय का अंत हो गया है मुक्तार अंसारी का जब भी नाम लिया जाता है तो आम और खास को प्रभावित करने वाली तमाम कहानियां सामने आती हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी की पूर्व पुलिस अधिकारी की कहानी सबसे ज्यादा रोचक बताई जाती है दिलचस्प बताई जाती है और उसमें कितना दबाव और प्रताड़ना थी वो भी निकल करके आती है पूर्व डिप्टी एस पी सिंह जी हमारे साथ हैं जिन्होंने मुख्तार अंसारी पर नकेल कसने की कोशिश की थी और उसके बाद उन्हें ही अपनी वर्दी को छोड़ना पड़ गया था अपनी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ गया था शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं उनसे बात कर लेते हैं शैलन सिंह जी सबसे पहले आपसे बात करेंगे मुख्तार अंसारी की डेथ हो चुकी है मौत हो चुकी है बांदा मेडिकल कॉलेज में एलएमजी वाला क्या प्रकरण था और आखिरकार ऐसी कौन कौन सी वजह रही जो आपको अपनी वर्दी तक छोड़नी पड़ी हाँ एल का प्रकरण आज से बीस साल पहले का है 2004 जनवरी शुरुआत की बात है लखनऊ के कैंट थाना क्षेत्र में सुबह सुबह मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद के बीच में आमने सामने से क्रॉस फायरिंग हुई और पूरी सरकार हिल गई शासन प्रशासन हिल गया कि राजधानी में इस तरह की वारदात हो रही तो अन्य जगहों पर क्या हालत होंगे एक हाई लेवल की मीटिंग हुई मीटिंग में डिसाइड हुआ कि एस टी एफ इन पर सर्विलांस लें इन पर निगरानी रखें और इस तरह की वारदातों को रोकें भविष्य में न हो और न सरकार की किरकिरी हो रही है और उसी क्रम में मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं पूर्वांचल में पोस्टेड था बनारस में पूर्वांचल का रहने वाला था तो हुआ कि भाई आप पूर्वांचल को समझते हैं इन माफियाओं को नज़दीक से जानते हैं आप इन पर अंकुश लगाइए और सर्विलांस जब इनका मैंने लिया तो मुख्तार अंसारी एक सेना का भगोड़ा था बाबूलाल यादव राष्ट्रीय राइफल्स जम्मू कश्मीर से भागा था एक लाइट मशीन गन चुरा के भागा था और उसको बेचना चाहता था मुख्तार अंसारी को मुख्तार अंसारी उससे जब बात करके अपने लोगों से बात करता था तो कहता था किसी भी कीमत पे लाइट मशीन गन मुझे चाहिए क्योंकि विरोधी की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो राइफल के अगेंस्ट है बातें इंटरसेप्ट कर रहे थे हाँ ये इंटरसेप्ट कर रहे थे और रिकॉर्ड में है एविडेंस एक्ट के तहत है क्योंकि शासन की परमिशन से सब कुछ हो रहा था केस डायरी में भी लिखा गया इस चीज़ को और ये हमको मिलनी चाहिए चाहे जो भी कीमत हो एक करोड़ में तय हो गया और भी मांगे तो दे के ले लेना है जब ये बात मैंने अपने सीनियर अधिकारियों को बताया तो सबने कहा कि शैलेन्द मुख्तार अंसारी के पास लाइट मशीन का न जाए वरना वहां जाए गई तो लेना मुश्किल हो जाएगा और चलेगी तो पता नहीं कितनी जाने जाएंगे तो सरकार की भी किरकि होगी पुलिस की भी किरकि होगी तो इसको रिकवर करो फिर मैंने और मेरी टीम ने जान पे खेल के बिना कैजुअलिटी के साल उसको रिकवर किया आम सेमिनेशन पूरा रिकवर हुआ। रिकवर हुआ और के बाद पोटा चूंकि कानून एग्जिस्ट करता था तो पोटा लग गया लोग मुख्तार समझ रहा था कि ये रिकवरी बाबूलाल के पास हुई है तो आर्म्स एक्ट सिंपल है वो दोषी हुआ हम बच गए लेकिन जैसे मीडिया के माध्यम से शाम को ये न्यूज आई कि पोटा लग गया है अब वो घबरा गया पोटा में तो बात करने वाला भी दोषी है और सब हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया था एविडेंस एक्ट के तहत कवर था तो ऐसी दशा में फिर उसने मुलायम सिंह पे दबाव बनाया मुलायम सिंह 2003 में मायावती को तोड़ के अहमद की सरकार बनाए थे ये सब सपोर्ट करते थे विधायकों को मैनेज करते थे तो मुलायम के लिए बहुत खास था ये और मुलायम ने अधिकारियों को निर्देश दिया विशेष रूप से जो बनारस के एस थे सुभाष चंद्रा जी उनको निर्देश दिया कि इस केस को समाप्त करो क्योंकि बनारस में ही चौबेपुर थाना में केस दर्ज था और मैं उस समय जब इन लोग से मिला अधिकारियों से अधिकारियों ने कहा कि भी इसको शैलेंद खत्म करो तो हमने कहा सर कैसे संभव है आप लोग पुलिस अधिकारी हैं एक केस दर्ज हो गया एफ आई दर्ज है अब खत्म कैसे होगा क्या नहीं मुलायम सिंह नाराज हो है, चाहते हैं कि इस समय सरकार को सब सपोर्ट कर रहे हैं तो हमने कहा देखिए आप लोगों ने ही कहा तब तो मैंने काम किया मैंने तो अपनी तरफ से नहीं लिया इनिशियटिव अब आप चाहते हैं ख़त्म हो जाए जो संभव नहीं है एज ए पुलिस ऑफिसर आप भी जानते हैं कि नहीं हो पाएगा तो मैं तो नहीं कर सकता हाँ आप लोग शायद मुलायम सिंह जी को अपनी बात नहीं समझा पा रहे हैं तो आप नंबर दीजिए मैं बात करके कर समझाऊं उनको आपकी बात हुई मुलायम सिंह से तो मैंने कहा उनसे कि वन टू वन मैं अपनी बात रखता हूँ शायद वो समझ जाएँ तो बनारस के एस साहब ने कहा कि शैलेंद्र वो तो तुम्हारे नाम से इतना चिड़ गए हैं कि बात भी नहीं करेंगे तुमसे तो हमने कहा फिर मैं क्या कर सकता हूँ फिर नतीजा ये हुआ कि बनारस के जे जोन के आई जी रेंज डी आई जी एस एस पी एस टी एफ सबका ट्रांसफर रातों रात किया गया हम लोग की यूनिट को क्लोज़ करके वहाँ से बुला लिया गया लखनऊ और पंद्रह दिन तक मेरे पास भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाने के नाम पर बुझाने के नाम पर धमकाने के नाम पर जो भी कह लीजिए यही समझाया जाता रहा कि इस केस से आप अलग हो क्यों फंस इस बीच में पचड़े में फंसे हो अभी तुम्हारी शुरुआत ही है सर्विस की लंबी सर्विस अभी इस बाईस साल और जान पे क्यों खेल रहे हो परिवार है तुम्हारा वो बहुत बड़ा माफिया है एडिशनल एस पी पे गोली चला चुका है तमाम लोगों पर बड़े बड़े पोलिटिकल लीडर्स को उसने किडनेप करके रैंसन लिया तो तुम इसमें न पढ़ो और मेरी दुविधा ये थी कि मैं जिस संस्कार से आया था हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे मुझे लगता था कि मैं पीछे हटा तो मेरा जमीन मुझे मार डालेगा और अंत में पंद्रह दिन यही सोच के जद्दोजहद में फिर मैंने बिना किसी को बताया चुपचाप इस्तीफा दिया और इस्तीफा में लिखा कि वर्तमान सरकार को माफिया निर्देशित कर रहे हैं ये बाहर से नहीं समर्थन दे रहे हैं ये निर्देशित कर रहे हैं सरकार इनके कहने पे चल रही है ऐसे में हम जैसे ईमानदार लोक सेवक के लिए काम करना मुश्किल है और मैं स्वेच्छा से त्याग पत्र दे बाहर जा रहा हूँ डील इंटरसेप्ट जब आप लोग कर रहे थे तो मुख्तार अंसारी को आप लोग अप्रोच भी पकड़ने की बात भी कर रहे थे वो इंसिडेंट क्या था जब मुख्तार आते आते रह गया आपके सामने अब बात सही है जब हम लोगों ने आंसर सेप्ट कर लिया और रिकवर कर लिया तो बाबूलाल से हमने कहा देखो अभी तो मुख्तार को मालूम नहीं रिकवर हो गया तुम लगातार बात कर रहे थे अब उसको बात करके बुलाओ बनारस और वहीं सामने लेन देन में ही सब पकड़ा जाए ताकि वो बच भी ना पावे सामने सामने उससे बात कराई मुख्तार लखनऊ से चल के जौनपुर तक आ गया और सवेरे डील होनी थी और डील फाइनल हो गई कि कैंट स्टेशन के सामने जो पार्किंग एरिया है उसमें डील होगा और हम लोग भी पूरी तैयारी से थे हमें मालूम था कि पुलिस देखते हो सकता है इसके लोग भी कुछ करें हरकत तो हम लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है हम देखेंगे उसमें जो करना होगा परिस्थिति उस समय जैसी होगी वो किया जाएगा लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये था कि बनारस के एसएसपी एसटीएफ को एसएसपी को पता चल गया सबने और तत्काल आपकी टीम के किसी टीम के हमारा बनारस का हमारी टीम तो इंटैक्ट थी लेकिन एक बनारस का लोकल थाने का इन्वॉल्व हो गया था सब वो इंस्पेक्टर जो था वहाँ इंचार्ज है सो उसने वाहवाही में ये नहीं की बैड इंटेंशन से कि बहुत बड़ा गुड वर्क है एल एम आज तक रिकवर नहीं हुई है तो बहुत बड़ा गुडवर्क है आउट ऑफ टाउन प्रमोशन ले उसने अपने एस को बता दिया बिना मेरी जानकारी के जबकि मैंने मना किया था अब उन्होंने तत्काल ऊपर बता दिया उनकी वाइफ उस समय अनिता सिंह सचिव थी मुख्यमंत्री की अब मुख्यमंत्री तक बात चल गई अब नीचे निर्देश आ गया रात सब लोग तत्काल मुझे बधाई देने लगे मैं चौंक गया कि भाई बधाई किस बात का दे रहे हैं अभी तो मैंने बताया नहीं किसी को तब मैं समझ गया ये बात लीक हो गई और वो फिर मुख्तार को पता चल गया वो किसी तरह उसकी मतलब जान बच गई नहीं तो शायद हो सकता उस समय ही वो खत्म हो जाता बताइए एसटीएफ का का तो गठन हुआ का गठन हुआ हुआ था स्पेशल टास्क फोर्स कि अपराधियों पर नकेल कसी जाए अपराधियों के जराय की जो दुनिया है उनको खत्म की जाए लेकिन एस टी की वो मनोदशा क्या रही होगी जब एस टी एफ को मुख्तार के प्रभाव से दबना पड़ा डरना पड़ा या दबाव बनाया गया वो क्या बात देखिए एस टी एफ अपने काम के वजह से जानी जाती थी इतना नाम था यूपी एस टी एफ का अपराधी खौफ खाते थे कल्याण सिंह के समय में यह सरकार बनी थी और कल्याण सिंह को जान से मारने की धमकी शिवकाश शुक्ला ने दिया था और बड़े अच्छे अच्छे अधिकारी थे जो जान पे खेल के इसमें रहे और काम किए एस का मनोबल बहुत हाई होता था एस का मतलब एस को मिल गया तो अपराधी कांपने लगते थे लेकिन मेरे घटना के बाद एक मैसेज चला गया अपराधियों में कि सरकार साथ है तो कुछ नहीं हो सकता है और एक बहुत बड़ी गिरावट मनोबल जिसको डाउन होना कहते हैं मेरी तो पूरी टीम उस समय रिजाइन करने को एकदम तैयार बैठ गई थी मैंने समझाया कि नहीं ये सब काम नहीं करो समय बदलेगा अभी हम जा रहे हैं जाने दो पब्लिक के बीच में अपनी बात रखेंगे तो निश्चित है उस समय मनोबल बहुत गिरा था और जब मानी योगी जी की सरकार बनी 2017 में मैं बधाई देने जब इनको गया तो मैंने यही कहा कि महाराज जी पूरे पुलिस का मनोबल बहुत डाउन है मैं तो रहा हूँ नज़दीक से और आपके समय में अगर यूपी यूपी नहीं सुधरा तो उम्मीद मैं नहीं करता कि ये सुधरेगा आज की बात आप कर रहे हैं उस समय की बात हम फिर से करेंगे उस समय व्यापारी आम लोगों की बात कर लेते हैं खास लोग तो आप समझ गया मैं आपने बताया लेकिन आम लोगों का क्या रहता था आपने डॉक्टर का जिक्र किया कि डॉक्टर्स जो है अपने हॉस्पिटल के बाहर प्लास्टर नहीं करवाते थे रंग रोगन नहीं होता था जो और तमाम लोग कारोबारी रंगदारी के चलते बाहर जाते थे तो इन सब चीजों का क्या रहता था क्या देखते थे नहीं बिल्कुल सही बात है जब हम लोग देख रहे थे स्टेप में तो बनारस में खासकर पूर्वांचल पूरा ही है लिए। लोग डर के मारे शवाफ नहीं करते थे कि मेरे पास पैसा है क्योंकि तत्काल रंगदारी मांगने के लिए चला जाता था मुन्ना बजरंगी जैसे लोग उस समय शूटर थे जो मुख्तार के तीन लोग डराते धमकाते थे व्यापारी अपने बच्चों की शादी बाहर जा जाके करते थे बनारस के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी नाम लेना उचित नहीं है उनका उनसे मैंने कहा कि भाई आपने शादी की हम लोग को बताया तक नहीं जब कितने क्लोज रहे क्या शैलेंज जी मैंने किसी को नहीं बनारस से इनवाइट किया था मैं चुपचाप बाहर जाके आगरा में शादी किया कि जिससे लोग जान ना पाए कि हम लोग संपन्न हैं डॉक्टर मेरे ही रिलेटिव जानने वाले थे आईएमए के जो प्रेसिडेंट थे उनके पास में गया तो उनका क्लिनिक बाहर से देखा मैंने प्लास्टर तक नहीं हुआ हमने कहा क्या दशा बना रखी है अंदर इतना अच्छा क्या इसलिए नहीं करते हैं कि लोगों की निगाह में ना आ जाए कि रंगदारी मांगने लगेंगे तो ये नौबत थी उस समय आखिरी सवाल आपसे ये कि आप आपने बहुत कुछ झेला है आपके परिवार ने क्या झेला क्या मनोदशा रही और आपकी स्थिति के बारे में क्या कहेंगे बहुत लंबा समय गुजर गया मैं रिजाइन करने के बाद कहीं हमको रहने का मतलब सर पे छत नहीं थी चलने गाड़ी नहीं था कोई आजीविका नहीं था तो बहुत एक कठिन दौर गुजरा कहीं हम जॉब भी करना चाहें तो वहाँ धमका दिया जाता था कहीं मकान लेना चाहें किराए का तो वहाँ धमका दिया जाता था कोई हमको देता नहीं था वो सब दौर देखा मैंने फिर मुझे अरेस्ट दो दो बार किया गया वो भी परिवार ने मेरा देखा झेला जिस थाने में हम अपराधियों को बंद करते थे उसी थाने में हमें लॉकअप में डाला गया किस तरह से कसीट के पुलिस ले गई ये भी देखा आप लोगों ने मीडिया में सब है कवरेज तो परिवार पर तो असर पड़ता ही है भगवान ने करे ऐसा दिन किसी और को भी देखना पड़े लेकिन अब इस बात की राहत है कि हम लोग सही रास्ते पे थे जो गलत थे आज वो अपनी मौत मार रहे हैं और हम सही थे आज एक सकारात्मक सोच के साथ एक अच्छा काम अपना कर रहे हैं सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व अधिकारी वर्दी छोड़नी पड़ी मुख्तार अंसारी के खिलाफ जब अपराध कारित करने के बाद कार्रवाई करने के लिए पहुंचे तो तमाम सरकार जो वर्तमान सरकार थी उससे तमाम प्रेशर पड़ा और उसके बाद वर्दी छोड़ करके अपनी राह को जुदा किया लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी श्रेष्ठ भारत श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत